हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। आज इज अ वेरी स्पेशल डे ऑफिस में ना, इट्स लाइक होली सेलिब्रेशन होने वाली है। नॉट इन माय ऑफिस, पूरे ऑफिस कैंपस में, तो वेयर आई वर्क ना, सब ऑफिसेज की मिला के इट्स गोना बी होली सेलिब्रेशन। इट्स गोना बी वेरी वेरी कूल नाइट, यू नो व्हाट। जल्दी से रेडी हो जाते हैं, निकलते हैं, भागते हैं, कूदते हैं। मेरे कोई भी मेरे कोर्सेज नहीं हो पा रहे। डूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्सेज आप टाइम टू टाइम करते रहो, अपने आपको अपग्रेड करते रहो। इस टाइम एमडॉक्स में, इन माई कंपनी, दे आर प्रमोटिंग अ लॉट ऑफ जेनेआई, मतलब जब से चैटजीपीटी लॉन्च हुआ है, जिससे पहले आप गॉन क्रेजी आफ्टर जेनेआई है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया इज बहुत, आई वुड से कि इट्स वेरी इनोवेटिव एंड इट्स वेरी डायनेमिक इन इट्स ऑन सेंस। ठीक है, कुछ स्टैटिक नहीं होता है यहाँ पे। आप ये नहीं बोल सकते मुझे, मतलब ये आता है तो मेरा काम चल जाएगा, तो उनकी बर्डन हो। एवरी डे न्यू थिंग्स आर कमिंग। ठीक है, फाउंडेशन को हर दिन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट में। कॉम्पिटिशन बढ़ता होता है मार्केट में, जितना सीखेंगे उतना कम है। एंड जो मेरे सीनियर्स वगैरह है, जो मेरे मैनेजर्स वगैरह है, जनरली वो लर्निंग के लिए दे अटेंड अ लॉट ऑफ वेमिनार। आई एम वंडरिंग कौन से स्लीपर्स थे, इवन आई वॉट दिस वन or this, I think the pink one, this one, the belly one. So this is the look for the day, and so basically I've given myself a sort of like 1 month challenge, and it's more of a like yaar dekho groom karna mein aapko bahut zyada, even though I'm on this struggle or hustle, I would say, from December itself. And बेसिकली मैंने पता है, मेरे को स्क्रैच से स्टार्ट किया दिसंबर से, लाइक आई लॉस्ट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड स्क्रैच आई डिड एवरीथिंग। तो मैंने बेसिकली कुछ गोल्स बनाए हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ, एंड आई एम गिवन माय सेल्फ चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, यू नो व्हाट, हर दिन आई एम गोना क्रैक दैट। कि यार मैं नहीं हुआ स्टूडेंट्स पढ़ाई में, तो क्यों नहीं, आई जस्ट कम बैक टू ट्राई अगेन। अभी आज की गाइस आर प्लेइंग स्कैवेंजर हंट। आज होली सेलिब्रेशन है, स्कैवेंजर हंट हुआ था आधे घंटे का था, एंड देयर वर अराउंड 20 और 30 थिंग्स यू हैव टू डू। आई थिंक हम जीत तो जाएंगे यार। वापस जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जल्दी से पैकिंग करनी है, वापस मुझे यहीं आना है पैकिंग करके। लिटरली मन नहीं कर रहा वापस जाने का यार, बहुत सही माहौल बना हुआ है आज ऑफिस में, बहुत अच्छे वाला। सो फाइनली बैक टू पीजी, अब जल्दी से पैकिंग करनी है। मैं लास्ट में सोचती आज रही थी व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू पैक, तो लैपटॉप पैक तो रहेगा ऑब्वियसली, पूरा बैग तो एसडीज लेके चल जाऊंगी मैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट I'm planning to take a bit of clothes. I had ये वाला bag लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो सामान लेके थोड़ी ना जाऊँगी यार मैं। आप that bag also, शायद उसमें आ जाएगा सारा सामान। तो and apart from that, I'm planning to keep this novel. इसको पढ़ के मैं रखाऊंगी मैं। And मेरे मम्मी के लिए कुर्ता लिया था, since it's the holy time. मैंने घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की थी, एक तो बॉर्ड कुर्ता फॉर हर एंड ओवर साइज है, बट ठीक है करवा लेंगे ठीक है अपने हिसाब से ना। दिस आर कप्स, यहाँ पे ना सेरेमिक कप्स बहुत मिलते हैं, यहाँ पे क्रॉकरीज बहुत मिलते हैं सेरेमिक की, बहुत चीनी मिट्टी से बोलते हैं, गुड़गांव इज फेमस फॉर ओनली दिस थिंग। तो आई गॉट दिस, ये थोड़ा कॉफी साइज मग है, एंड आई गॉट अनदर वन द मेरे को, ये आई गॉट 4 pair ऑफ देम, लाइक इनकी मैंने 4 pair लिए, इसके आई टेकन ओनली 2 कॉफी मार्केट 2 आर ओके। सो दे आई फाइंड एम वेरी प्रीटी एंड देर सच अ गुड डील, सो आई डू हैव टू लीव इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। यार बारी क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा है, एंड आज का एकदम मस्त वेस्ट हुआ है। आई हैव कम बैक फ्रॉम माई पीजी, सारा सामान लेके ऐसे मतलब बन के घूम रही हूँ, एंड मेरी कैब तो कैंसिल हो गई है, इट जस्ट मैंने गलत लोकेशन से मैंने बुक की थी, वो मुझे ने देखा नहीं गलत लोकेशन थी। यार पूरा दिन का गंदा जा रहा है ना, मतलब पूरी मैंने कुछ नहीं किया है, आई वेक अप लेट,
एंड देन वो ओनली डाइस ही जाऊंगे नहीं जाऊं एनी हाउ भी मैं प्लान किया कोई नहीं वो चले जाते हैं basically I just came back home and also must pop out ho gaya I booked blah blah so maine location galat dal di wo galat jagah mera wait kar raha hai aur location yahan se more for like 1.5-2 ghanta duri tha kyunki peak hour se traffic bahut zyada tha to in short jitne main samaan the pyaaz maine pack kiya tha just chota sa bag maine pack kiya tha that to bring it back aur and ke baad I'm not feeling good kyunki ghar jana tha aur ghar nahi jab jane ko milta hai obviously not feel great to बस मूड फ्रेश करके हम प्लान टू जस्ट गो एंड हैव अ टी बहुत दिन हो गए यार बाहर जाके चाय पिए हुए आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर दैट थोड़ा सा मेकअप टचअप कर लेती हूँ बाकी आई थिंक समथिंग इज राइट